नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रियल लाइव। मैं प्रीति सिंह। चलिए नजर डालेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। दिल्ली के मालवीय नगर में फायरिंग की घटना सामने आई है। यहां आरोपियों ने एक शख्स को गोली मार दी है। दिल्ली पुलिस के अनुसार मंगलवार रात करीब 9:30 बजे मालवीय नगर पुलिस स्टेशन पर फायरिंग की घटना के बारे में एक पीसीआर को कॉल आई थी, जिसके बाद पुलिस कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे। यहां पीड़ित के चाचा ज्ञानचंद ने बताया कि कार में आए 3 से 4 अज्ञात लड़कों ने उनके 26 वर्षीय भतीजे विकास को गोली मार दी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आगे की जाँच अभी जारी है। नाम मेरा ज्ञानचंद नाम है। ज्ञान जी, कितने बजे की ये वारदात है? ये है 9:30 की। ओके, कितने लोग थे ये? 4 लोग थे, एक ड्राइवर था, 3 लोग वैसे थे। कैसे हुई ये वारदात? ये हम तो वहीं खड़े हुए थे, ये पीछे से लड़के को लाए। पहले तो वहीं खड़ा था लड़का, खड़े होकर वो उसको ये पीटते हुए ले आए। गाड़ी में इन्होंने डाला। उसने कहा अंकल जी ये मेरे को किडनैप करेंगे, मार देंगे। मैं कहा भाई पुलिस बुला लो, कोई बात है तो बैठ के बात कर लो, पुलिस बुला लो, फोन कर लो पुलिस को। तो उसकी तो बात ही नहीं करी उन्होंने, तो सीधे बस निकाल के, फिर वहाँ हम भी कई जने बैठे थे, निकाली पिस्टल और शुरू हो गई है। तो आप जो बचाव में आगे गए तो आप बचाया बहुत हमने उसको, गाड़ी में से भी बाहर निकलवाया, गाड़ी में डाल लिया था इन्होंने। गोली लगी है संदीप नाम, वो क्या नाम है, विकास, तो वो भी वहीं खड़ा। कैसी हालत है? हालत है वो सफदरजंग हॉस्पिटल में अभी चल रहा है, अभी देखो जी जैसा भी है ऊपर वाला मालिक है जो। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिएगा न्यूज UNI के साथ।